सर आगे मैडम लगो आज आपके हाथ से एम्बुलेंस का उद्घाटन हुआ, बहुत अच्छा लगा। आज मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने कर्मचारी की कदर करे कि मतलब सही योद्धा कौन है। कितने साल से आप यहाँ पर? मेरे को 35 साल हो गए, इमरजेंसी वार्ड में 2500 साल चढ़ रहा। 35 साल में आपके पास पहला मौका है? पहला मौका आया हमारे कर्मचारी के लिए। पहला मौका आया कि जो हमको इतनी बड़ी इज्जत मिली इम्तियाज अली साहब, वरना हमारा तो कोई पुरसा ने हाल नहीं था। मैं भी वार्ड में हूँ, वार्ड नंबर 8 में हूँ 1993 से। क्या अगले साल में भी हुए तो पूरा 10 महीने हमने ड्यूटी की है और अभी भी कर रहे हैं, अभी भी रमजानों में, अभी भी चालू है रमजानों में। सर बहुत बढ़िया, ये तो हमारे किस्मत है। इसके पहले तो ना हमको कोई गिनता, ना कोई कुछ पूछता, ना कोई बताता। कर्मचारी जाने करा भी जाने तो नहीं करूँ दिल्ली तेने करूँ दिल्ली हमारा बहुत बेहतरीन दुआ ही देंगे सगत उत्तम सुझले ले आइडिया बस उत्तम कल्पना अनि सेल सार्वजनिक उपयोग अच्छी बिल्कुल दिल से दुआ दें जी कल्पना सार्वजनिक उपयोगी है अनि चांगले। मेरा नाम मोहम्मद सलीम। प्रभाकर शेवलेकर नाम है। अफसर बानो करना चाहती हूँ कि आज की जो नीड है कोविड-19 के महामारी में, आपने देखा है कि एम्बुलेंस सर्विसेज जल्दी मिलती नहीं है और एम्बुलेंस आने में या ले जाने में पेशेंट को अगर देरी हो गई तो क्या हो सकता है, ये जानते हुए उन्होंने इतनी म्हणजे सामाजिक जाणीव ठेवून त्यांनी आम्हाला हे दिलं त्याबद्दल ह्या संस्थेतर्फे मी त्यांचे खूप खूप आभार मानते। थँक यू। एम्बुलेंसेस बहुत ज़्यादा है लेकिन उससे ज़्यादा संख्या के अंदर पेशेंट्स है और वो पेशेंट्स को किसी एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल या डिस्चार्ज होने के बाद उनको अपने घर के ऊपर या अगर बॉडीज़ है तो बॉडीज़ अपने गांव के अंदर अपने घरों के अंदर ले जाने के लिए एम्बुलेंसेस की ज़रूरत होती है। कई सारी ऐसी शिकायतें मिली थी कि बहुत सारे एम्बुलेंसेस बहुत ज़्यादा पैसा इस दौर के अंदर भी कमा रहे हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अफसोसनाक बात है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने 3 एम्बुलेंसेस आज अपने फाउंडेशन के ज़रिए हमने लॉन्च किए हैं और ये टोटली फ्री एम्बुलेंस रहेगी। हम इसके ऊपर एक नंबर देंगे, जो कॉल सेंटर नंबर रहेगा वहाँ से जो भी इसको कॉल करेगा वहाँ पे जो पेशेंट्स को ले जाना है या बॉडीज़ को लेके जाने का है उस हिसाब से है तो ये एम्बुलेंस प्रोवाइड की जाएगी। इसके अंदर 1 रुपया भी किसी भी पेशेंट से या बॉडीज़ के लिए है तो लिया नहीं जाएगा। हमारी मंशा यही है कि ऐसे दौर के अंदर जब सभी लोग परेशान है तो उन परेशानी को हम थोड़ा सा अपने तौर के ऊपर किस तरह से कम कर सकते हैं उस इरादे से ये किया गया है। और मुझे पर्सनली इस बात की खुशी है कि जिस नेक इरादे से हमने ये एम्बुलेंसेस लॉन्च की है उसका उद्घाटन भी हमने ऐसे लोगों के हाथों से किया है जो पर्दे के पीछे रहते हैं लेकिन अपनी जी जान लगाते हैं। उनका शुक्रिया अदा करने के लिए चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे वो क्लास 4 स्टाफ हो, चाहे वो सिक्योरिटी स्टाफ है, ये जितने भी लोग हैं ये कभी भी सामने नहीं आते हैं लेकिन पीछे इनका कितना बड़ा योगदान होता है ये हम सभी लोग जानते हैं। तो भले ही यहाँ पर डीन मैडम मौजूद है, मैं मौजूद हूँ, सुपरिटेंडेंट साहब मौजूद है, लेकिन इनके हाथों से ना करते हुए हम लोगों ने जो यहाँ के क्लास 3 क्लास 4 एम्प्लॉयज़ है उनके ज़रिए करे हैं क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है हॉस्पिटल के। सर ये एम्बुलेंस औरंगाबाद के लिए रहेंगे या बाहर भी? अभी फिलहाल तो हम इसको औरंगाबाद के हद तक ही कर रहे हैं, इसका हम वर्कआउट करके कल इसको हम लॉन्च कर देंगे क्योंकि अभी आरटीओ का एक थोड़ा सा एक इश्यू बाकी है, वो जैसा ही आज आरटीओ का रहेगा। अभी फिलहाल तो हम ये है, अगर अच्छे लोग अगर जुड़ें तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये सिर्फ 3 ही नहीं बल्कि हम इस 3 को है तो 10 तक किस तरह से लेकर जाएंगे ये हमारी कोशिश है।